यकसुई, एक चीज यकसुई, किसी चीज को वन पॉइंटेडनेस में लेके आना, दिमाग की तमाम सोचों को एक सिमत मुर्तकिस कर देना, यकसुई, और खाली उसे नहीं कि जहन में कोई भी ख्याल ना हो। ये दोनों चीजें आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले आती है। अगर आप मुकम्मल यकसुई होके बैठे हैं, आप अल्फा स्टेट में चले जाएंगे। अगर बिल्कुल खाली उसे पता नहीं कहाँ पहुंचे, पता ही नहीं है, वंस अगेन आप इधर से डिस्कनेक्ट होगे ना सबके सबसे, आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे। ये दो चीजें हैं जो नॉर्मली हम लोग दिन में कई दफा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, मगर ये पता नहीं है। क्या रिपीट करूं? यकसुई, अपने दिमाग को, अपने ज़हन को वन पॉइंटेडनेस पे लेके आना, सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना, वन पॉइंटेडनेस। अब देखेंगे ये लोग जो हाइप्नोटिज्म की या टेलीपैथी की आप लोग बुक्स पढ़ते हैं 30 रुपए की, जिसमें लिखा होता है कि 30 रुपए में हाइप्नोटिज्म सीखिए, 20 रुपए में टेलीपैथी सीखिए, उस पर एक्सरसाइज लिखी होती है, जिनके बेशुमार लोग अपनी आंखों दिमाग को खराब कर लेते हैं। देखिए ऐसी किताबें ना, अच्छा किताबें ठीक ही लिखी होती हैं, हमारी एप्लीकेशन ठीक नहीं होती। उसमें जो एक्सरसाइज होती हैं, मतलब एक एक्सरसाइज के दीवार पे एक नुक्ता बना लो, उस नुक्ते को देखते रहो, उसने किया कुछ लोगों ने किया है, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, आपने भी किया, तो वो बेसिकली वन पॉइंटेडनेस है ना, वो आपको अल्फा स्टेट पर ले आती है। और खाली उसे नहीं जब जहन में किसी भी किस्म का कोई ख्याल ना हो। अच्छा एक और बात बताए, आज सवाल मैंने पूछने, आपने तो पूछने नहीं है, तो कोई तो पूछेगा ना। बात पर ऐसा होता है, किसी को सच्चे ख्वाब आते हैं, किस किस को आते हैं? बात पर ऐसा होता है कि आपको आने वाले वाकयात के पहले से अंदाजा हो जाता है कि ऐसा तो ना हो जाए, भी वो हो जाता है ऐसा भी। समटाइम्स ऐसा होता है कि फोन की बेल बजी, फोन तो वो पड़ा हुआ है, आपने फौरन कहा कि अमजद साहब का फोन है, और जाके देखा अमजद साहब का फोन, घर की बेल बजी तो आपने कहा कि ये वो साहब होंगे, और दरवाजा खोला तो वो ही साहब थे, कभी ऐसा हुआ? ऐसा कैसे होता है? आपने बड़ी अल्लाह कब से हो गए उन्होंने कहा ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन स्पेस में ऑलरेडी मौजूद थी, दौड़ने के बाद कौन आया, कौन मिलने के लिए आया, किसने फोन किया, ये तमाम इंफॉर्मेशन स्पेस में मौजूद है कि नहीं? बाहर कौन बंदा खड़ा है, वो कुछ सोच रहा है ना, कुछ कर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन तो मौजूद है स्पेस में। अगर जिस वक्त बेल हुई, जिस वक्त दरवाजे पे आया, अगर उस वक्त आप अल्फा कैफियत में थे, तो एग्जैक्टली नॉक हुआ, क्लिक हुआ कौन? अमजद साहब। और दरवाजा खोला तो एग्जैक्टली वो अमजद साहब। बात कर, आप दो चार दोस्त इकट्ठे जा रहे थे, तो एक ने सोचा कि यार चाट खाते हैं, तो दूसरे ने फौरन कहा एग्जैक्टली मैं ये कहने लगा था। ये सब के सब इस सूरत में होता है कि जो सोचे वो बातें तो ऑलरेडी मौजूद होती हैं स्पेस में। अगर आप उस वक्त बाई चांस विदाउट योर कंट्रोल, हम दिन में कई मतलब अल्फा लेवल पर डिप करते हैं, अगर आप अल्फा लेवल पर आए तो फौरन उस वक्त जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें पता नहीं चलता तो कल आ गया, पता नहीं क्या हो गया, हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर ये चीज हमारे कंट्रोल में आ जाए कि हम जब चाहे अल्फा स्टेट में चले जाए, मजा नहीं आ जाएगा? ये कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि जितने भी समझदार लोग हैं वो अपनी वीडियो को नहीं कराते, उन्हें पता लग जाए कहाँ कहाँ फिर रहना है। ये आने वाले वाक्यात से पता चलता है, आपने बात की मुझे सर, सर फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे यहाँ पे आने का माइंड था, मैंने 2-4 दिन पहले से प्रोग्राम बनाया, मैं आऊँगा, ठीक है? तो अगर आप नहीं आए, लेकिन अगर हम वो एक साल पहले की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि मैं, मेरा एक दोस्त था, वो हो गया, मतलब मैं ये तो अपने जहन में सोच नहीं रखता है, मतलब वो मेरे घर आ जाता है, अचानक आ जाता है, तो ये अंदाजा तो इसमें कैसे अंदाजा लगाया? जो आप सोचते हैं, जो भी किया नहीं है आपने, वो भी स्पेस में खास तरह का इमेज बनाता है, जो आपने किया नहीं है सोचा है, और वो जो किया नहीं है, जो भी फ्यूचर में है, उसमें अनसर्टेनिटी है, यू कैन चेंज दैट, आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फिजिकल वर्ल्ड में एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है,
डॉक्टर उसका चेकअप करता है, वो कहता है तुम शराब पीते हो, कहता है जी बहुत ज्यादा, सिगरेट पीते हो, वो कहता है जी भरे हुए, तो जो कहता है अच्छा जवाब देता है उसे, तो डॉक्टर तुम्हारी किडनी तबाह हो गई, ये हो गया ये हो गया, तो मैक्सिमम एक साल तक जिंदा रह सकते हो, जो जरूरी काम करने कर लो, तौबा तय कर लो, तुम्हारी उम्र एक साल से ऊपर नहीं है। अच्छा डॉक्टर ने अल्फा स्टेट पर जाकर नहीं, उसकी फिजिकल कैफियत को देखते हुए उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर दिया कि तेरे साथ ये होने वाला है, कर दिया ना उसने। अच्छा फिर क्या हुआ, 3 साल के बाद वही बंदा डॉक्टर को मिला, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब क्या हाल है, वो डॉक्टर कहता है तुझे 1 साल में मर जाना चाहिए था और मेरी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन थी, तो वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर जब मैंने आपको देखा आपने मुझे बताई बातें, मैंने उस दिन के बाद से शराब और ये सारी चीज़ें छोड़ दी, मैं जूसेस पे आ गया, एक्सरसाइज पे आ गया, हेल्दी फूड पर चला गया, उसने क्या किया, उसने अपने फ्यूचर को चेंज कर लिया, यही हुआ ना उसके साथ। एक आदमी मेडिकल में दाखिला लेता है, गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाता है, मेडिकल कॉलेज में चला जाता है, तो आप उसके उस स्टेप को देखते हुए उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये मजे की बात है कि आप उसके फिजिकल स्टेप को देखे बगैर उसकी सिर्फ सोच जो अभी अमल में चल रही है, अभी अमल में नहीं आई यहाँ पे चल रही है, उससे देखते हुए उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो साल पहले की सोच थी वो उसके मुताबिक थी, जो आज की सोच है वो आज के मुताबिक है, अगर आज ये सोच तब्दील हो गई तो फ्यूचर में मौजूद पिक्चर भी तब्दील हो जाएगी। थोड़ी सी क्लियर बात। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि आने वाले वाकयात का इन चीज़ों का अंदाजा इसलिए हो जाता है कि वो स्पेस पर इंफॉर्मेशन मौजूद है कि क्या होने वाला है, अगर उस वक्त वो शख्स अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में है तो फौरी तौर पे उसे वो इंफॉर्मेशन वहाँ से आ जाती है, मगर इस वक्त अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमने इस चीज़ को अपने कंट्रोल में ले आए तो मामला काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। डॉक्टर ने जो बताया उस आदमी के मरने का वो बीटा स्टेट में, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस फिजिकल हरकतों को देखे बीटा स्टेट में बताया, आपने जो करना है आप बताएंगे उसे देखते हुए ऑब्जर्व करूंगा वो बीटा स्टेट में होगा, आप मुझे बताएंगे कुछ नहीं और मैं खुद असेस करूंगा, उसके लिए मुझे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा, मुझे स्पेस की हेल्प लेनी पड़ेगी जहां तमाम तक इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, नहीं हमें ट्रेनिंग के साथ करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, ये सीखेंगे आज इंशाल्लाह। जी सर,